नमस्कार, राजनामा टीवी पर आपका स्वागत है। मैं प्रिया आपके साथ। मणिपुर के मुख्यमंत्री एन बीरेन सिंह ने कहा कि वे लोगों के बर्ताव से दुखी थे। मणिपुर में दो महीने से जारी हिंसा के बीच बीरेन सिंह ने शुक्रवार को 30 जून को इस्तीफा देने की बात सोची। इसके लिए वे राज्यपाल अनुसुईया उइके से मिलने वाले थे, हालांकि बाद में उन्होंने अपना फैसला बदल दिया। शुक्रवार को जब उनके इस्तीफे देने की खबरें आई तो सैकड़ों महिलाएं प्रदर्शन करने लगी। उन्होंने कहा कि बीरेन सिंह इस्तीफा ना दे बल्कि हिंसा फैलाने वालों पर सख्त एक्शन ले। मुख्यमंत्री ने शाम 4:01 पर ट्विटर पर लिखा, इस मोड़ पर तो मैं इस्तीफा नहीं देने वाला हूं। एक न्यूज एजेंसी को शनिवार को दिए इंटरव्यू में बीरेन सिंह ने कहा, लोगों ने प्रधानमंत्री के पुतले जलाने शुरू कर दिए, भाजपा दफ्तरों पर हमला शुरू कर दिया, पीएम के पुतले क्यों जलाए, उन्होंने क्या किया था, मेरे पुतले जलाते तो कोई बात नहीं थी, इससे मैं दुखी हो गया। बीरेन सिंह ने कहा कि हालांकि राज्य में मेतेई और कुकी समुदायों के बीच चल रही हिंसा में पड़ोसी देशों के हाथ होने की पुष्टि या खंडन करना संभव नहीं है, लेकिन यह हिंसा प्री प्लान लगती है। इसी के साथ बने रहिए राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।